नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेम्पल ट्रैवल में। हमेशा ही तरह आज फिर हम आपको एक मंदिर के दर्शन के लिए लेके चल रहे हैं। जैसे कि हर मंदिर का एक इतिहास होता है और कुछ मान्यताएं होती हैं। वीडियो में बने रहिए और देखिए इस मंदिर का इतिहास और इसकी मान्यताओं के बारे में। मैं यहाँ का जो है मेन पुजारी हूँ। मेरे छोटे जो है छोटे लाल हैं और अवधेश कुमार। मंदिर है, मान्यता क्या है? मंदिर की स्थापना लगभग जो है मंदिर जो है नहीं ठहरो मंदिर सन 1947 से बनना शुरू हुआ। थोड़ा सन 1949 में ये संकट आ गई। जब बनना शुरू हुआ तो वहाँ पे शिव चरण दास जो इसके मालिक थे उनसे एक गलती हुई। उन्होंने अपने एक नौकर को लात मार दी और वो ऊपर से संकट आ गई पे से नीचे गिर गया। उसकी डेथ हो गई तो इन पे मुकदमा दायर हो गया। सरकारी जमाना था अंग्रेजी, तो यहाँ से वो गुजर रहे थे। किसी ने उन्होंने बताई कि धनौरा गांव में, ये धनौरा गांव है पीछे, ये धनौरा गांव में एक रहते हैं जो कुछ बताते हैं, भगत जी हैं। तो उन्होंने ये बताया कि तुम जाओ, जहाँ भी जगह खाली मिले वहाँ 5 फीट काली माता की रखिया हो। तो वो यहाँ से गुजरे और यहाँ आके उन्होंने खाली जगह मिली, यहाँ प्याऊ थी, वो 5 फीट यहाँ पे स्थापित कर दी। यहाँ से चले गए, फांसी का हुक्म हो गया था लेकिन फांसी का हुक्म वो टल गया। उसके बाद में उन्होंने ये मंदिर का बहुत छोटा सा निर्माण करा, बहुत छोटा सा, जो अंदर मठ है, जो अंदर मठ है। ये मठ भी कम था और ये भी कम था, बस ये गर्भगृह ही था। ये इस वक्त गर्भगृह है। उसके बाद में वो यहाँ आते रहे, हर संडे में आते थे, घोड़ा टांगा लेके प्रसाद लेके आते थे, सबको बांटते थे। उसके बाद में जब वो यहाँ से चले गए, स्वर्ग सुधार गए या चले गए, क्या हुआ, तो चले गए, फिर ये पब्लिक के हाथ में मंदिर आ गया और फिर इसका विस्तार हुआ। उसके बाद में एक दो पंडित जी आए, उनके बाद में ये संतोष कुमार अवस्थी यहाँ पे मौजूद हैं और ये फिर इनके असिस्टेंट हैं, हम इन्हें छोटे लाल कहते हैं। छोटे इनका क्या है तुम्हारा नाम? अवधेश कुमार गोस्वामी। तो ये हैं, अब ये दोनों ही यहाँ के महंत हैं। कमेटी यहाँ पे है और कमेटी अपना हमारा काम सही करती है। ये इस मंदिर की वो है और मंदिर की जो वो बता रहे हो तुम कि भाई इसकी मान्यता क्या, मान्यता क्या है? इसकी मान्यता ये है कि यहाँ से बहुत बहुत दूर तक, नोएडा दिल्ली गाजियाबाद, नोएडा दिल्ली गाजियाबाद महाराष्ट्र कलकत्ता, वहाँ तक, मतलब कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिस प्रदेश का आदमी यहाँ मान्यता मानने को नहीं आता हो, वो मान्यता मानने को आता है। और जब उसकी मान्यता पूरी होती है तो ही यहाँ आता है, दोबारा भी आता है। हर नौरते में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, मेला सा लगता है, मेला लगता है बढ़िया जबरदस्त। और इसी की मान्यता होती है, नौमी के दिन यहाँ पे भोग लगाया जाता है, भंडारा किया जाता है, सब कुछ होता है। और दशहरे में यहाँ सबका विसर्जन होता है। उसके बाद में यहाँ आप देखना, अब आरती होएगी तो आरती में कितने लोग होंगे, मतलब गांव के तो सब करीब करीब आते ही हैं। ये इस मंदिर की मान्यता है काफी माता से। और एक और सुनो, एक और बताऊं, ये देवी माता की जो मूर्ति है ना, ये देवी माता की मूर्ति दो ही जगह है, एक तो कलकत्ते में जो बड़ी है और एक यहाँ उस पत्थर से बनी है जिससे सोना परखा जाता है।
ये भी इसकी एक मान्यता है। उसके बाद में इसका विस्तार होता चला गया और मंदिर बड़ा होता चला गया। आप भी इस मंदिर के दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस मंदिर तक पहुंचने की पूरी जानकारी दी गई है, कृपया देखें। इसी तरह और मंदिरों की जानकारी के लिए कृपया चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। साथ ही आप बेल आइकन दबाइए ताकि सारे मंदिरों की जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके। धन्यवाद।